अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना सारे वालो सो मैशक चौधरी तुसी मेरा फैमिली यूट्यूब चैनल तकीरियो शकी ब्लॉग नाल ही तुसा पेज भी तकीरियो फेसबुक इस्लामगढ़ टीवी ते जनाब किला बड़जोन साबका नाँ जरा मानकोट इतने मौजूद हाँ ते नाल ही माड़े संगी भी आए हुए सन चकसवार तो चकसवारी तो अब्दुल कादर क्यू टीवी वाले ते जनाब इबरार साहब अपनी नगरी वाले ते वह भी इतना मौजूद न ते कुछ हिस्ट्री जरा ना कादर भाई और को पूछा ते मजीद उतना पर जुले हैं पिछे बड़जोन ग्रां भी थोड़ा जा व्यू ही जैसी ते नाल नाल शेयरिंग कर सा फिर नालो नाल जी जनाब कादर क्यू टीवी वाले ते जनाब इन्हों को मौजूद हाँ ये थोड़े जी इस किला बड़जोन ने थोड़ी हिस्ट्री दसन क्योंकि ये जरा ना डबल एम ए भी है ना ते तकरीबन हिस्ट्री जानने ना ते जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब तुसा किला बड़जोन ते पुराना नाम मानकोट है, इसने बारे विच तुसा क्या जानने हो सरकार? सर जी, सब तो पहले तो तुसा ना शुक्रिया जी, जड़ा तुसा काबिल समझिया बंदा ना चीज की। तो बाकी सर जी बिल्कुल एग्जैक्टली हिस्ट्री ते असा इतना ना दसी सकने, दर गल वो पुराने बुजुर्ग जड़े सन उन्हां की बेहतर पता हो सी मी दे इसने बारे जो थोड़ी बहुत। बाकी असा मैं खास कर जी असा जी किताबा वगैरह चीनी हिस्ट्री पढ़ी है वो भाई थोड़ी बहुत दसी सकने भाई। तकरीबन 1546-47 इस जड़ा किला ये बनाया गया सी और शेरशाह सूरी एक बड़ा नामवर बादशाह गुजरिया हिंदुस्तान की हिस्ट्री ना 1540 तो घिनी तो 1545 तोड़ी 5 साल तो 5 दिन यानी कि 17 मई 1540 तो घिनी तो 22 मई 1545 तक उसमें दोहरे हुकूमत है। ठीक है जी। उस ना वैसे भी मशहूर है कि अस की भी अस बड़िया को भी सुनिया तो हिस्ट्री भी है कि जी दीने ते जरिए रोड जानी है ना लाहौर जी जी अगर दिल्ली शिल्ली ये रोड मेन जी उस इस ना सुनिया जरनैली रोड आ बिल्कुल जरनैली रोड आने ये उस बनवाई क्योंकि शेरशाह सूरी बजाते खुद एक बड़ा तगड़ा जरनैल रहा। बिल्कुल बिल्कुल यार, उस अपने जमाने च भी काफी एरिए फतह किए ना और खास कर देना ना गखड़ा ना थोड़ा जा ज्यादा मुखालफत सी जी जी गखड़ राजपूत सूरी खानदान गौर हुकूमत हासिल की थी उन्हें मुगलों को मुगलों ने गखड़ा ने आपस में काफी अच्छी दोस्ती सी जी। जाहिर गल है फिर एक दोस्त ही कोई प्रॉब्लम होया या उसने को कोई हुकूमत कौन ज्यादा दुवे उसने उसने बिल्कुल बिल्कुल यार आबादियां ही खतरा पे जाना ना बिल्कुल वो गखड़ इसने नाल काफी जड़ा ना वैड करने से तो फिर इना 1546 जिले बहुत है ना शेरशाह सूरी जड़ा इसने अगला तख्त नशीन सी ना जी जी सलीम शाह सूरी जी उस फिर इथे किला बनवाया सी डिफेंस वास्ते के जड़े बाहरों बैरूनी ताकत उन्होंने खतरा सी ना और जिस जिस एरिए उन्होंने खतरा है सी इथों असा पर हमला हो ही सकना वो अपने जिन्हें जिथे उन्होंने कहना दारुल खिलाफा या दारुल हुकूमत उस तू दूर साइड पर उन्हें उसकी डिफेंस बनाया सी कि जड़ा कोई बाहरों दुश्मन अच्छा बाहर ही उसी असा अपने कोल अच्छे तू पहले उसी उस निपटी गिना। बिल्कुल बिल्कुल यार, मानकोट ने नाम पर सी तो फिर इसकी माड़ा हाल कोई इलाके ना ना होया या बाद के आया या पुराना नाम सी बड़जोन ते फिर किला बड़जोन ने ना ये मंसूब किया या इसना मजीद एक कादर भाई मैं दसो कि ये साड़ा एक विरसा होना वे कि जिस इलाके विच पुरानी चीज होनी है वो विरसा ही आया जाना वे। सही है। ते लेकिन इसनिया जड़िया बैरूनी दीवारा ना वो तकरीबन गिरी गई ना। ठीक है। दीवार जी रहनी है इंशाला ड्रोन कवरेज भी दसा इंशाला। मजीद तुसा क्या पैगाम देना चाहते हो कि इस किले ने बारे विच? सर जी पैगाम तो हूँ देन ही गया समझो कि हूँ रही गया खत्म हो गया। बहरहाल यह है कि इस तरह ने एक ये नहीं है थाने इस कश्मीर च पाकिस्तान च और हिंदुस्तान ने अंदर इस तरह ने बेशुमार चीज़ा मौजूद हैं पुराने जमाने दियाँ जड़ियाँ के जिन्हें कि अगर अज दी हुकूमत थोड़ा जहाँ कि प्रोटेक्ट करनिया ना इत्थै वो लखा रुपये कमाई सकने। बिल्कुल ये ले क्योंकि ये व्यू पॉइंट भी बनी सकना देखो सी। कितनी प्यारी इत्थै साइड एरिया तक हूं थोड़ा जा नजर अच्छा शुरू हो गया, पहले धुंध पई भी थी जी जी। कैमरा मैन थोड़ा जा मारो इत पूरा इलाका लभना। बिल्कुल इत्थै अगर एक विजिटिंग प्लेस बनी जाए
ते हुकूमत की इतने लखों करोड़ों ना फायदा होना, लेकिन हुकूमत इस तरफ नहीं तवज्जो देनी, जिसकी वजह तू काफ़ी जरा ना वो सीधा खस्ता हाल हुई अपने बनाए डोगरा डोगरा है तो भी पुरानी हिस्ट्री है ये के 1546 ना बने हो भाई इस दौर विच पूरा 500 साल पीछे करी के ना जा। पूरा 500 साल पीछे मजीद बहुत बहुत शुक्रिया ए तुसा माशाल्लाह इंटरव्यू दिता वे अल्लाह पाक से सलामत रखे शुक्रिया जी थैंक यू रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि।